जाओ अंतरा, चुप हो जाओ बाबा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या खातिरदारी की है भाई साहब आपने? हमें पता होता कि यहाँ पे पागल भी आने वाले हैं, तो हम यहाँ पे आते ही नहीं। क्या हालत कर दी है मेरे बेटे की? आंटी जी प्लीज, सब जानते हैं कि बदमाशी पहले जश्न शुरू की थी। बच्चों में तो ये सब होता ही रहता है। चलिए सब ठीक है। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं इसीलिए इसे यहाँ लाने के लिए मना कर रहा था। डैड, इसे मैं लेकर आया। हाँ, लेकर आया हूँ ना, उसका नतीजा देख रहा हूँ मैं। डैड प्लीज, आपको नजर नहीं आ रहा कि किस तरह यश ने अंतरा की फ्रॉक के पीछे डब्बे बांधे, उसके पीछे पटाखे बांधे, जिसको परेशान किया, जिसको सताया, आप सब उसी को दोषी मान रहे हैं। अजीब बात है डैड। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ जितने लोग भी आए हैं उन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है। बोलो आदित्य, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम उसे शादी से दूर नहीं रख सकते? अरे बोलो आदित्य, ऐसा क्या है इसमें जो तुम्हें अपने खून से भी ज्यादा प्यारी है? ये अपनी बहन से भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि ये मेरा खून, क्योंकि ये मेरी बेटी है। अंतरा की मां इस दुनिया में नहीं, और ये तो विद्या ही है जिसने मेरी गलती की सजा अंतरा को नहीं दी और उसकी मां बनकर उसे पाल रही है। और मैं ये सच्चाई आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि आप लोग ये सच सुन नहीं पाएंगे, इसलिए एक सच छुपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़े, कभी एक भाई बनकर, कभी एक पिता बनकर, और कभी अपने परिवार को इस समाज से बचाने के लिए। नहीं अंकल प्लीज, देखिए गलती मेरी है, जो सजा मिलनी चाहिए मुझे मिलनी चाहिए। आप मेरी गलती की सजा आरती को मत दीजिए प्लीज। ये लड़की नाजायज है, चलो एक बार मैं ये नजरअंदाज कर भी दूं, लेकिन ये तुम्हारा खून है और ऑटिस्टिक है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे खून में है ये। कल को तुम्हारी बहन अगर ऐसा ही पागल बच्चा पैदा करेगी तो? डैड प्लीज, इसीलिए मैं ये रिश्ता तोड़ता हूं। सुन चुके हम, हमारे खून को गंदा कहकर आपने हमें गाली दी, और आप उस शादी से क्या इनकार करेंगे? मैं खुद ये शादी तोड़ती हूँ। आपको आपका खून और आपका घर मुबारक हो। अगर समीर मेरे लिए भगवान है तो मेरे भैया मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। चलो भैया, हम यहाँ अब एक पल भी नहीं रुकेंगे।